ये पत्ती जो है ना, ये वाली पत्ती, ये वाली, तो ये सब बोल रहे हैं इसकी भुज्जी बना ले इसका सूप बना दो बार क्यों कराई मिर्च नहीं आई उसके झड़ाई। कहाँ जा रहे हो? साथी तोड़न। गुड मॉर्निंग गाइस, खेतों की सैर करने जा रहे हैं। आज आप लोगों को अपना मायका दिखाऊंगी, मैं कहाँ पैदा हुई, कहाँ इतनी बड़ी हुई जो इसके लायक हुई। ये मेरे को ब्याह के लेके आया था वहां से, तो आज आप लोगों को वहां ले चलेंगे और वहां खेतों में से हरा साग यानी साठी, चुलाई, कोंदरा वो तोड़ के लेके आएंगे और फिर उनकी रेसिपी आपको बताएगी। फिर हाँ, आप खाना, हाँ नहीं खाना तो आप भेजोगे जब, तो खाओगे ना बना के खाना। देखो ये हमारे गाँव का बोर्ड लगा हुआ है, इस पर नाम लिखा हुआ है। तो ये रास्ता एक जो है इधर चला गया सीधा, वो गुरुग्राम और मुंडेला और बादली, और जो लेफ्ट साइड में चला गया एरो है वो मेरे मायके का, और यहाँ से ना मेरे मायके के ना घर दिखते हैं। बेसिकली हम जहाँ रहते हैं ना, हम सबसे ऊपर वाली छत पे अगर चढ़ जाते हैं ना तो हमारे गांव का मंदिर दिखता है, मतलब मेरे मायके का मंदिर। तो अभी ये रास्ता जाएं गाड़ी जा रही ना, इसी साइड में हमने जाना है। सीधे वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, और जो थोड़ा सा कर्व हो गया रास्ता तो यहाँ से गाड़ी गई है वहाँ से भी हम वहाँ यहाँ से नज़दीक पड़ेगा। तो ये आ गया है मेरा मायका और मायके में होगी एंट्री, लेकिन हमारा जो घर है वो इस साइड में नहीं है। ये जो है ना, ये छोटे बच्चों का यानी लड़कों का, लड़कियों का नहीं, लड़कों का स्कूल है ये। और राइट चला गया मेरे मायके के घर की तरफ और लेफ्ट चला गया बस स्टैंड है वहाँ, तो आप राइट में ले लो ना। आपको पता नहीं इतने साल हो गए, अब वो तो जाने के बाद पता चलेगा। और ये जो है हमारे गांव का मंदिर है, दादा जाखदा मंदिर, ये देखो इसकी बैक साइड है ये। और इस रोड पे ना आगे मैं बताऊंगी, और ये जो है ना इधर नहीं दिखाई देगा शायद, तालाब है। यहाँ पे ना हम गोबर पाथ का जा करते छोटे छोटे थे, बिटोड़ा यहाँ रखा करते थे। बिटोड़े दिखाती हूँ मैं, थोड़ा गली हो गाड़ी, ये बिटोड़े हैं भाई। बिटोड़े किस किस ने बेरा है, बिटोड़े के होया कर ना बेरा हो तो देख लियो चलो। और इस रोड पे सामने, बिल्कुल सामने वो, बिल्कुल सामने वो, ये हमारा घर हुआ करता था। तो चाचे ताए के लड़के रहते हैं यहाँ पे, बाकी हम मेरे भाई तो बाहर निकल गए, तो वहाँ पे है ये घर है। तो जब यहाँ से गुजरना होता है ना तो यहाँ के रुख तो दिख ही जाते हैं। ये देखो भाई साहब कितना मोटा पोता है। तो पहले हमारा घर सिर्फ हमारा घर होता था, खेतों में होता था, लेकिन अब तो है ना सब बाहर निकला है। और कुछ ताऊ के जो लड़के हैं ना वो यहाँ रहते, चाचा और ताऊ के लड़के, ये सारे उन्हीं के घर हैं। और वो जो सामने है वो इस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल है ये लड़कियों का। इसकी परली साइड में लड़कों का बड़े वाला स्कूल, यानी जो सिक्स सेवन्थ से शुरू होता है ना, सिक्स हाई स्कूल जिसको बोलते हैं, तो ये यहाँ मैं पढ़ी थी, ठीक है। तो इसकी दूसरी साइड में लड़कों का है, और लड़कियों का जो प्राइमरी स्कूल होता है वो गांव के अंदर है। पहले यहाँ ऐसे घर वगैरह इतने बड़े बड़े होते नहीं थे इतने सारे। और ये जो गाँव का
बस स्टैंड है, ये देखो। और ये जो है ये स्कूल है लड़कों का, तो अलग अलग है। तो वो रास्ता उधर से आता था, ये वाला रास्ता है। और उधर जो है वो तालाब है, ये देखो। और ये रोड जाता है नजफगढ़ को, पहले मित्राऊ आएगा फिर नजफगढ़ आएगा। तो हमने जाना था दूसरे रोड पर, लेकिन आप लोगों को मेरे मायके का पूरे गांव दिखाने के लिए इस रोड पर आ गया। तो अब राइट मुड़ेंगे ना, हाँ। और एक यहाँ पर ना माता रानी का जो है मंदिर भी है यहाँ पे ना, पहले अब का तो मुझे पता नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, भंडारा लगता था, पूरे गांव का खाना यही बनता था, तो अब का मुझे पता नहीं है। तो पहले इतनी हरियाली भी नहीं थी यहाँ पे, अब तो लोग बाग भी बाहर आके बस गए हैं, गांव के घर छोड़ा है, बाहर घर बना लिए। ये वाला मंदिर थोड़ा सा दिखता भी होगा तो, हाँ ये वाला, जय माता रानी, गायत्री माता, शिव मंदिर आश्रम। और अब जाएंगे इस रोड पे, पहले ये रोड नहीं था, पूरे खेत थे। तो ना दिल्ली में जो गांव होते हैं ना, वो नज़दीक नज़दीक होते, वो सामने कौन सा गांव है, रावता गांव, उसके साथ में सुरेड़ा, रावते की परली साइड में, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, यहाँ से दिखाते हैं, ये मंडेला सामने, तो बिल्कुल पास पास में है ना गांव होती है। तो ये खेत है, यहाँ हम जब शादी से पहले खेतों में से चारा लेकर जाते थे, और बहुत सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो करते थे। और एक हमारा खेत इस साइड में था, और एक था, वो था नहीं, वो तो अभी भी इस साइड में, तो वहाँ का ना रोड खराब हो रखा, नहीं तो वो मैं दिखाती। तो भैया मैंने करवाई अपने मायके की चर्च बिगड़ है सर, हाँ है ना, और कितना पुराना पता नहीं कितना पुराना है। देखो हम आए हैं खेत में, और यहाँ से ना ये जो है इसकी ना सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, और साथ में ये घिया की भी बेल है और तोरी की भी है। क्या वैसे तोड़ ले, हाँ घर चूट लेंगे ना, पत्ते पत्ते में तो बहुत टाइम लगेगा यार, क्योंकि धूप तेज़ है ना। तो अब यहाँ से ये हरा साग तोड़ेंगे, हाँ तोड़ लो। हाँ वो कर लो, मर्जी है। कट्टा ध्यान रखिए, हाँ हो सकती है। तो भाई तेलान साहब है ना, देखो क्या काम कर रहे हैं, और घर आकर और हम खाना वाना खा कर और बैठ गए थे, और फिर देखो ये क्या काम करे, क्या काम करो हो,
चुड़ाई चुटो चुड़ाई ना या साटी है साटी है चुड़ाई को नहीं है। तो ये हम खेत माता लेकर आए थे और इसके ना ये जो ये पत्ते पत्ते है ना ये चुटे जाऊंगे तब इसकी भुजी बनेगी या कढ़ी बनेगी हरा साग बनेगा जो बनेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये जो है ना ये इसकी डंडी है ये तो जानवरों के खाने के काम आती है भैंस गाय के खाने के काम आती है। तो जो इसकी ये जो ये पत्ती जो है ना ये वाली पत्ती ये वाली तो ये हमारे खाने के काम आती है। तो तहलान साहब बोल रहे हैं इसकी भुजी बना ले फिर मैंने कहा चूट दो सारी ना भुजी भी बनेगी और कड्डी बनेगी ररा साग भी बनेगा क्या खाना पसंद करोगे जो बन जाएगा इसका सूप बना दूं कल वाली बात याद आ रही है रात की दाल खा रहे थे तो मिर्चा ना अलग काट दिया था फिर दोबारा 3 इंच की है ना मिर्चा आपने दिखाई नहीं दी वह जो 3 इंच की मिर्च थी वह आपने दिखाई नहीं दी पता हंसी क्यों आई गई बहुत ज्यादा हंसी रात में नहीं नहीं वो तीखी नहीं थी पता क्या बोले इतनी तीखी मिर्च थी इतनी लंबी मिर्च थी ना को शक्ल तो दिखा दो यू बोले ना को मैं कमा रही ओ भाई ना मैं ये करूं मैंने कहा 3 इंच की थी ना इतनी लंबी मिर्च थी वो नाक बगा बार क्यों कराई मिर्च नहीं आई उसके झड़ाई बस नहीं बोले मिर्च थोड़ी लग रही थी उसकी झड़ाई थी तो आपका क्या हाल हुआ था आप बताइए आपका क्या हाल हुआ था बताइए आप जूते तीखी मिर्च का उसका जो हाल है बट वो तीखी मिर्च नहीं थी आप पता क्या पता क्या हुआ वो मिर्च तीखी तो है नहीं जो मैं तड़के में डालती हूँ ना साबुत वाली मिर्चे तो वो तीखी नहीं है खाली फ्लेवर के लिए मैं डालती हूँ पर दाल चम्मच से नहीं खा के और वो जैसे दूध पीते या चाय पीते ना लंबा सबड़का मार के लंबी गुड़ भर गया ना वो दाल पी ली वो अंदर जाके है ना वो जैसे धसक नहीं आ जाती वो ऐसे आ गई और ना बना के मिलाया बनाया कितने लंबे और वो नाक मखवा जाके बेचारे ने कह तो दी लेकिन बाद में सोची कि मेरे के किया यो कैप्चर बहुत जल्दी करे तो भाई मैं अभी बना के लाऊंगी चाय और है ना घिया का हलवा भी बनाऊंगी क्योंकि शाम में सब्जी रोटी तो खानी नहीं और हमने आकर खा ली बाजरे की रोटी और लाल मिर्च और लहसुन की चटनी और के था लस्सी है तो शाम को तो रोटी खानी नहीं तो अभी ये तो ये तलन साफ करेंगे इसका काम मैं चाय बना लेती हूँ और फिर मैं करूँगी घिया का काम। तो अभी चलते हैं किचन में तो यहाँ पे जो ये है घिया और इसका तो मैं बनाऊँगी हलवा और ये कुछ फ्रूट लेके आए थे मार्केट से तो वो धो के रख दिए थे और इसमें जो ज्वार यानी जो मोटा अनाज होता है ना वो वाला है और इसमें आज कल जो मक्खन निकाला था ना वो गरम कर लिया था तो अब ये जो घी है ना इसमें ठंडा पानी डाल के और ये कैड़ा हो जाएगा यानी जम जाएगा फिर उसको अलग निकालूंगी फिर उसको एक बार फिर गरम करके फिर डब्बे में डालूंगी। तो ये और ये देखो ये इतना सारा दूध एक्स्ट्रा है मतलब ये 3 लीटर दूध यूं का यूं है तो इसकी मलाई निकाल के और फिर मैं ये हलवा बनाऊंगी तो ज़्यादा रिच नहीं बनाऊंगी और फिलहाल बनाती हूँ मैं चाय तो दूध एक्स्ट्रा है तो इसलिए हलवा बना लूँगी तो तवे को रखती हूँ यहाँ पे और चाय की करते हैं तैयारी
यहाँ पर जो है दूध गर्म करना रख दिया है, मतलब जो हलवे के लिए है, और ये बाकी है तो इसको मैं बाद में डालूंगी। और इसमें जमा दी है मैंने मलाई डाल के, 2 दिन की मलाई थी तो वो दही जमा दी है। तो अभी चलते हैं अंदर घिया कसने का काम करते और चाय मैं बना लेगी। सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर इस देश का पेट्रोलियम के जन पर सवाल उठाने वाले, यदि आपकी कैबिनेट में मंत्री है तो फिर आप सबसे बड़े हिंदू हो। बीजेपी से बड़ा हिंदू लोग नहीं होते जो रावण को वोट देने को नहीं देते, और जो आपके जन्मदिन सवाल उठा रहा है वो रावण ही हो गया जो राम को मानते हो। या तो आप राम को मानते हो और वो आदमी अब ये देखो, ये ना 4 लीटर के आसपास दूध था, मतलब 3.5 मान के चलो। कुछ मलाई में निकल जाता है, कुछ मैंने चाय बना ली है, तो 3.5 लीटर दूध मान के चलो। तो 3.5 से ये अब 1.5 किलो दूध रह गया होगा। और ये देखो, जो जैसे बोलते हैं ना कि भिग गया कि खीर बना ली, तो अब ये खीर की सिचुएशन में आई हुई है, लेकिन मैं इसका बनाऊंगी हलवा। और जो बिल्कुल ग्रीन होता है ना उसमें कलर ऐड कर देते हैं, लेकिन मेरे को कलर नहीं डालना, मैं ऐसे ही बनाऊंगी गुड़ डाल के। गुड़ से थोड़ा सा और भी हेल्दी हो जाएगा, और घी तो ऑब्वियसली हेल्दी होती है, और गाय का दूध भी बहुत हेल्दी होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है दोनों में। और बाकी ड्राई फ्रूट का लंच सबको पूछती हूँ, इसमें डलवाएंगे तो थोड़े से ना शैलो फ्राई करके तब मैं डाल देंगे। तो अब इसमें लगी हुई हूँ, और किचन भी सारी मैंने साथ साथ क्लीन कर दी है। इसमें पानी की कमी हो गई थी तो अब ये सारी नहला के और इसमें पानी डाल दिया। ये देखो कितनी सुंदर हो गई है। तो इसको बिल्कुल दूध इसका सूखा लेंगे तब तक। देखो कोई भी खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं ना तो उसमें मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है और ख़र्चा भी होता है, लेकिन मार्केट से ला के खाने में ना अपने आप बना के खाओ ना, बड़ा बहुत ही तसल्ली से, मतलब एक सुकून सा मिलता है, हेल्दी भी है, हाइजीन के हिसाब से भी देखो, और सबसे बड़ी खुशी है कि अपने मेहनत से बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो इसको मैं बना लेती हूँ और बनने के बाद मैं दिखाती हूँ, मतलब ये दूध सारा रिड्यूस हो जाएगा ना तब मैं दिखाऊंगी। अभी ना ये देखो, अब इसमें खाली शायद 0.5 लीटर ही दूध रह गया होगा, इतना सारा दूध था। अब यहाँ पे मैं पहले तो शक्कर डालने वाली थी, यानी जो गुड़ का पाउडर है ना वो, लेकिन वो कम रहेगा तो इसलिए वो नहीं डालती। अब मैं डालूंगी ऑर्गेनिक खांड रखी रहती हूँ मैं, तो ये मैं डालूंगी। और इसमें भी कम रह रही है तो इसको भी मैं भर देती हूँ। और इसको बंद करके, और ये मैं स्टोर में रख देती हूँ, यहाँ किचन में ना ज़्यादा जगह लेता है ये, मतलब जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना ग्रोसरी का, वो ऐसे डब्बे मेरे पास 3-4 हैं तो डब्बे में डाल कर रख देती हूँ। तो यहाँ जो भी डब्बा खाली होता है स्पाइसेस का या भाई पल्सेस का, तो वैसे ही मैं उसको दोबारा स्टोर से उठाया और यहाँ पर डब्बे में डाल के और रख दिया, तो किचन में ना कंजेस्टेड सा ना होता। तो इसको रख देंगे वापस स्टोर में। और देखो ये मैंने क्या किया, हाथ लग गया तो ये गिर गई, इसको भी मैं साफ़ करूँगी अभी।
तो अब देखो कलर चेंज हो गया ना इसका थोड़ा सा, और गुड़ या डालती या गुड़ का पाउडर डालती ना तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता। लेकिन वो मैंने निकाला था तो था डब्बा, लेकिन फिर देखा कि ये तो कम रहेगी, फिर थोड़ी शक्कर और थोड़ी सी खांड ऐसा मैं डालती नहीं, तो इसलिए मैंने अब ये ऑर्गेनिक, वो भी ऑर्गेनिक है शक्कर भी और ये खांड भी ऑर्गेनिक है, तो इसलिए ये डाल दिया। और मैं अपनी हालत दिखा दूँ, देखो स्वेटिंग कितनी हो रही है, क्योंकि बाहर वाले प्लांट में पानी दे के आई हूँ। और टाइम हो गया 7:25, आज मैं ना घूमने भी नहीं गई क्योंकि आज मैं इसमें लगी हुई हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम का काम है, तो इतनी गर्मी हो रखी है, तो बस थोड़ी सी देर का काम हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा तो बस फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर नहा के और पसीना उतार के और यानी सुखा के, तो फिर नहा के और फिर संध्या करूँगी और बस फिर काम ख़त्म। दूध वो उनसे पूछूँगी कि मैंगो शेक पियेंगे या वैसे दूध पियेंगे, तो वो काम ऐसा कुछ करके चल रहा है भाई। और गर्मी हद ज़्यादा गर्मी है भाई, हद ज़्यादा, पता है ये जो ह्यूमिडिटी की जो ये चिकचिपी गर्मी होती है ना, ये बहुत बुरी होती है। जो लूआ वाली गर्मी होती है ना उसमें तो कूलर वगैरह काम कर जाता है, और उसमें इतनी भयानक वाली गर्मी, देखो मतलब अगर वैसे लगाओ ना तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन लूआ वाली गर्मी से भी ज़्यादा गर्मी है होती है इसमें। तो इसको मैं एक बार फिर हिला दूँ तो ये नीचे लग जाएगा। अब यहाँ ना जैसे लास्ट का चल रहा हो ना, अब जैसे लास्ट का चल रहा है ये, तो यहाँ पर क्या होता है कि केयरफुली ये बनाना पड़ता है, इसमें ना छिट्टे भी लगती हैं, और कढ़ाई में नीचे अगर छोड़ दोगे तो ये तली में लग जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको केयरफुली होके और फिर बड़ा ही सावधानी से पलटा चलाते रहना है और इसको बनाते रहना है ऐसा है। तो चलिए ये तो दूध को तो मैं बिल्कुल फिनिश कर देती हूँ, यानी इसको सुखा देती हूँ, और फिर मैं इसमें ना घी वगैरह नहीं डालूँगी ना ही मलाई डालूँगी, क्योंकि मुझे बहुत रिच नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कुछ काजू डाल लिए हैं और ये बादाम काट लिए हैं, एक बादाम से 3 टुकड़े कर लिए। अब यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है, और अब ये देखो ये गाढ़ा हो गया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ बादाम और काजू दोनों डाल के और भून लेती हूँ, इसको हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस इतना ही करना है, बाकी ज़्यादा का कोई लोड नहीं है। अब ये भी हो गए हैं तो इसको डाल देते हैं हलवे में, फुल फ्लेम करके, वैसे तो फुल फ्लेम में ही बनता है ये, लेकिन यहाँ मंदी नहीं करनी है आँच, और इसको फुल फ्लेम करके और इसको थोड़ा सा भून लेना है बेसिकली, और बस फिर ये बन गया। अभी टाइम बता दूँ 10 बज गए हैं, और 10 बज गए हैं, तो इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और हम करते हैं सोने की तैयारी, और आप लोग भी सोने की तैयारी कर लो, तो गुड नाइट। आप तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, हेल्दी सा बनाना, हेल्दी खाना, हेल्दी ही रहना है। चिल्ड्रेन टेक केयर, बाय बाय।